आज हम एक्सप्लेन करेंगे द वुमन इन ब्लैक टू। ये कहानी लंदन के वर्ल्ड वॉर टू की है, जहां हमारी मेन करेक्टर ईव को दिखाया जाता है, जो अनाथ बच्चों को संभालती है तथा वे वहां पर एक कोने में बैठी लड़की को सहारा देती है कि वे इस कठिन परिस्थिति में भी घबराए ना, बल्कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखे। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर लेती हो, तो ईव कहती है कि किसी को तो करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि ईव शेल्टर से बाहर आती है और तभी हम शहर की दशा देख पाते हैं कि किस तरह तबाही मची हुई है। लगभग आधे से ज़्यादा लंदन तबाह हो चुका है। दरअसल ईव एक टीचर होती है जिनका स्कूल इस बमबारी में तबाह हो गया। ईव अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलती है। दरअसल वो दोनों स्कूल के बच्चों को लेकर कहीं और ले जा रहे थे क्योंकि उनका घर भी वॉर में तबाह हो गया। ईव एडमिनिस्ट्रेटर से कहती है कि हम ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ते, तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि हम एडवर्ड का इंतजार कर रहे हैं। एडवर्ड दरअसल एक बच्चा होता है जिसका घर अभी अभी वॉर में तबाह हुआ है। ईव एडवर्ड को सहारा देती है और वो सभी वहाँ से बच्चों के साथ निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ईव को ट्रेन में बैठा पाते हैं। तभी वहाँ हम मूवी के दूसरे मेन करेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हैरी है। हैरी और ईव की बातों ही बातों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हैरी बताता है कि वो दरअसल एक पायलट है। ईव और हैरी की बातों के दौरान हमें पता चलता है कि दोनों ही कृतिन ग्रेवयार्ड जा रहे हैं। कृतिन ग्रेवयार्ड पहुँचने के बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहाँ एजुकेशनल डिपार्टमेंट से मिस्टर रोडिस उन्हें लेने आते हैं। सफ़र के दौरान ही गाड़ी पंचर हो जाती है। गाड़ी एक खंडा घर के सामने पंचर होती है। ईव वहाँ घूमने लगती है और तभी उसके सामने एक अंधा आदमी आ जाता है जो अजीब अजीब बातें कर रहा था, जिससे ईव डर कर वापस बस में आ जाती है। और तब तक डॉक्टर रोड्स भी टायर बदल चुके थे। अब ये सभी आगे बढ़ते हैं और फिर रोड्स इन्हें एल्मस हाउस में लेकर आते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, पर वॉर की वजह से इन्हें कारणवश यहीं रुकना पड़ता है। इसी रात ईव को अजीब सा सपना आता है जहां हम ईव को हॉस्पिटल में देख पाते हैं और वो देखती है कि एक नर्स किसी के बच्चे को उससे दूर ले जा रही है। और जब ईव उस माँ के बच्चे को देखने लगती है, तभी उस पालने से एक हाथ निकलकर ईव के मुंह को पकड़ लेता है। ईव की आँख झट से खुल जाती है। तभी ईव को बेसमेंट से आवाज़ें आती हैं और तब वो बेसमेंट में जाके देखती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन वहीं दीवार पर लिखा होता है कि यू लेट हिम गो, मतलब तुमने मुझे जाने दिया। ये पढ़कर ईव घबरा जाती है। यू लेट हिम गो का मतलब हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। सुबह होती है और हम देखते हैं कि एडवर्ड को टॉम और जेम्स नामक दो लड़के परेशान कर रहे हैं। टॉम उसकी ड्राइंग छीन लेता है और हाइड एंड सीक के बहाने उसे एक कमरे में बंद कर देता है। ये वही कमरा है जहाँ जेनेट ने खुद की जान ली थी। एडवर्ड जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। और जब ईव वहाँ आती है तो वो देखती है कि एडवर्ड चुपचाप बैठा है और एक कोने में लगातार देखे जा रहा है, जिसे देखकर ईव भी थोड़ा परेशान हो जाती है। पर इस बात को अनदेखा कर वो एडवर्ड को वहाँ से लेकर चली जाती है। इस कमरे से बाहर आने पर हम एडवर्ड के हाथ में एक डॉल देख पाते हैं। इसके बाद जब वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ ईव से मिलने के लिए हैरी आता है। जब हैरी और ईव बातों में लग जाते हैं तो मिस जीन ईव से बच्चों की क्लास लेने को कहती है, इसलिए हैरी वहाँ से चला जाता है। और वहीं हम देख पाते हैं कि हैरी रास्ते में गाड़ी रोककर खड़ा है और पानी को देखकर बड़ा बेचैन हो रहा है। इसका कारण भी हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि क्लास के दौरान ईव एडवर्ड को बुलाती है और उससे पूछती है कि वो कमरे में आकर देख क्या रहा था, लेकिन एडवर्ड उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी एडवर्ड ईव को एक कागज़ लिखकर देता है जिस पर वही बात लिखी होती है कि तुमने उसे क्यों जाने दिया, और दूसरी कागज़ पर लिखकर देता है कि ये सब एक औरत ने उससे ईव को बोलने को कहा। अब रात को सोते समय टॉम एडवर्ड को फिर से परेशान करता है क्योंकि उसके पास अभी भी एडवर्ड की ड्राइंग थी। उसी रात एडवर्ड को जेनेट की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। वहीं आधी रात में हम देखते हैं कि टॉम नींद में बाहर जा रहा है। अगली सुबह जब एडवर्ड को सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं तो वो ईव को तारों में उलझा हुआ मरी हालत में मिलता है। और अब वहाँ मिस्टर रोड टॉम की लाश को लेने आते हैं, जिन्हें ईव बताती है कि इस घर में उनके अलावा भी कोई है। इस पर रोड ईव से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसे ईव का एक बहम बताते हैं। इसके बाद
हैरी ईव से मिलने आता है और वो हैरी को सब कुछ बताती है और हैरी उसकी बात पर यकीन कर लेता है। फिर वो दोनों उस कमरे की तलाशी करने जाते हैं जहां एडवर्ड को टॉम ने बंद कर दिया था और काफ़ी ढूंढने के बाद इन्हें यहां एक चाबी मिलती है जिसे ईव काफ़ी जगह लगाकर देखती है लेकिन वो कहीं नहीं लगती। तभी ईव नोटिस करती है कि उस फर्श का फ्लोर वहीं से टूटा हुआ है जहाँ एडवर्ड सोता है और वहीं हैरी को एक रिकॉर्डिंग टेप मिलती है जिसे चलाने पर हमें पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग एलिस की हुई थी, जिसमें वो बताती है कि नथानियल की मौत के बाद जेनेट ने भी खुदकुशी कर ली और जेनेट की आत्मा ने एलिस को बार बार नथानियल की मौत का वजन दिखाकर परेशान कर दिया जिससे तंग आकर आखिर में एलिस ने भी खुदकुशी कर ली। ये बातें हैरी ईव को बता रहा था।